भारत के खनिज संसाधनों से संपन्न राज्य मध्य प्रदेश के हृदय में बसा जबलपुर शहर। यह सिर्फ एक परिवर्तन नहीं है, यह संभावनाओं की क्रांति है जिसके परिवर्तन की नींव रखी एक सच्चे कार्यकर्ता के अटूट समर्पण द्वारा निर्देशित एक दृष्टि ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक लौते ऐसे नेता है जिन्हें निरंतर हर चुनाव में अधिक से अधिक वोट मिले हैं, जिनका उद्देश्य जबलपुर के लोगों को सशक्त बनाना और उनकी आवाज को सुनना है, जिनके अटूट इरादे, मेहनत, दृढ़ता और शहर एवं देश के प्रति समर्पण को देख देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनकी सराहना की है। वो है आदरणीय सांसद श्री राकेश सिंह जी। जबलपुर, जहां पर्यटन की भावना मिसाली ऊंचाइयों तक पहुंचती है, बात हो रही है उन आकर्षक स्थलों की जिन्होंने इस शहर को एक नई ऊर्जा से भरपूर पर्यटक स्थल में बदल दिया है। जब मैं जबलपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद के रूप में चुना गया था तो इसे एक बड़ा गांव कहा जाता था और जबलपुर के विकास की कोई दिशा ये तय नहीं थी कि हम किस तरफ आगे बढ़ें। तब मुझे लगा कि हमें अपनी ताकत मालूम होना चाहिए और जो सबसे बड़ी ताकत जबलपुर की मुझे दिखाई दी थी वो थी जबलपुर में टूरिज्म। टूरिज्म यहाँ पर था लेकिन टूरिज्म के लायक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी बहुत कमी थी और उसके साथ साथ जबलपुर के टूरिज्म की मार्केटिंग, क्योंकि जबलपुर अकेला एक ऐसा क्षेत्र है जिसके 200 किलोमीटर के रेडियस में कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, अमरकंटक, चित्रकूट, खजुराहो, पचमढ़ी, ऐसे सभी बड़े टूरिस्ट प्लेसेस हैं लेकिन मार्केटिंग नहीं थी। तो मुझे लगा कि शुरुआत मुझे यहीं से करना चाहिए। सूची में सबसे पहला नाम है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट जैसा विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जहाँ संगमरमर की चट्टानों के बीच में पवित्र माँ नर्मदा जी प्रवाहित होती हैं, लेकिन लोग आकर जबलपुर में रुकें उसके लिए अकेला भेड़ाघाट पर्याप्त नहीं है। इसी सूची में अगला नाम आता है नर्मदा महोत्सव। एक शानदार उत्सव जो प्रमुखतः प्रसिद्ध व्यक्तिमत्वों को एकत्र करता है और जबलपुर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन करता है। बरकी डैम, जहाँ आप क्रूजिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स के अनुभव का आनंद ले सकते हैं। डुमना नेचर रिजर्व फॉरेस्ट वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। संग्राम सागर झील के किनारे एक अद्वितीय विकास हुआ है जिसमें एक खूबसूरत पार्क और मार्ग का निर्माण किया गया है। जबलपुर, जहां पर्यटन की भावना मिसाली ऊंचाइयों तक पहुंचती है, जिसका कारण है सिर्फ और सिर्फ राकेश सिंह जी का दृढ़ संकल्प। जबलपुर में मैंने एक टूर ऑपरेटर्स का एक बड़ा सम्मेलन किया और उसमें देश भर के बड़े टूर ऑपरेटर्स को बुलाया और फिर हमने सभी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनका भ्रमण टूर ऑपरेटर्स को कराया और उस टूर ऑपरेटर्स ने ये कहा कि हमें मालूम ही नहीं था कि जबलपुर टूरिज्म की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है। टूर ऑपरेटर्स के सम्मेलन ने जबलपुर के टूरिज्म को एक बड़ी ताकत दी। फिर ये प्रयास शुरू किए तो रानी दुर्गावती का समाधि स्थल है उसकी मार्केटिंग हो और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, प्रारंभिक प्रयास उसके लिए किए। पर्यटन को उद्योग के स्वरूप में देखने की श्री राकेश सिंह जी की भूमिका आत्मविश्वास और परिश्रम,
जबलपुर शहर की उन्नति का महत्वपूर्ण कारण है। फिर फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, इसके लिए मैंने प्रयास किए और ये इंस्टीट्यूट हम जबलपुर में लेकर आए, और मुझे लगता है कि शायद ये मध्य प्रदेश का अपने तरह का ये अकेला एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्रीज से लेकर कुकिंग से लेकर तमाम तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। उनके यह विचार और दृष्टिकोण ने हजारों उद्योगों का निर्माण और लाखों नौकरियों का सृजन किया है। मुझे लगता है कि जो कंट्रीब्यूशन सांसद साहब राकेश सिंह जी कर सकते थे उन्होंने किया है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि इसको अच्छे से निभाएं और आगे लेके जाएं। उनके एजेंडा में मुख्य रूप से पहले शहर को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना था और बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से ही चाहे पर्यटन का विकास हो, उद्योगों की स्थापना हो आदि संभव है। 2004 में जब मैं पहली बार सांसद बना तो मुझे लगा कि एयर कनेक्टिविटी जबलपुर के लिए बहुत ज़रूरी है, और उस समय जबलपुर के एयरपोर्ट पर गाय चरा करती थी, छोटा सा एयरपोर्ट हुआ करता था। हवाई अड्डे के आकार लेने से जबलपुर की कनेक्टिविटी में नई जान आ गई, परंतु इन सारे समीकरणों को पूर्ण रूप से मिलाने में सबसे हम कदम श्री राकेश सिंह जी ने उस वक्त उठाया जब उन्होंने किंगफिशर, एयर डेक्कन, स्पाइस जेट और इंडिगो जैसी फ्लाइट्स का रुख भोपाल और इंदौर की बजाय जबलपुर की ओर मोड़ लिया। ये जबलपुर शहर के लिए गौरव का विषय है। तो अभी हम जबलपुर से मुंबई, जबलपुर से दिल्ली, जबलपुर से हैदराबाद और जबलपुर से बैंगलोर, जबलपुर से बिलासपुर, जबलपुर से इंदौर, जबलपुर से पुणे, लगभग ये सारी फ्लाइट्स अभी हमारे पास में हैं और आने वाले समय में ये और बढ़ने वाली हैं। नई टर्मिनल बिल्डिंग, एप्रॉन, एटीसी टावर और रनवे का विस्तार उनके प्रयासों का प्रतीक है जो नगर को आधुनिकता की ओर बढ़ा रहे हैं। माननीय राकेश सिंह सांसद जी का मैं बहुत दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने जबलपुर के विकास में इतनी महती भूमिका निभाई है कि इतना बड़ा हवाई अड्डा, एरोड्रम इतने विकसित रूप में करके दिया है। हवाई अड्डे के सुधार के साथ साथ उन्होंने रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। राकेश जी के द्वारा जबलपुर को उसकी सही पहचान और हक दोनों ही दिलाने का सर्वाधिक प्रयास किया गया। जबलपुर पश्चिम मध्य रेल जोन का मुख्यालय तो बना, किंतु जबलपुर को उसका सही हक नहीं दिया जा रहा था। अनेकों विरोध प्रदर्शन, आंदोलनों, पद यात्राओं के माध्यम से जबलपुर को उसका सही हक दिलाने के लिए राकेश जी द्वारा लगातार प्रयास किया गया। जबलपुर स्टेशन पर रेल यातायात को बढ़ते दबाव को कम करने और मदन महल रेलवे स्टेशन को टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकसित करने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। आज मुझे लगता है कि 21 ट्रेनें जो प्रयास करने के बाद कि ये ट्रेन हमें चाहिए, हम जबलपुर के विकास के लिए ला पाए। जबलपुर स्टेशन पर एस्केलेटर, लिफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले चार्ट सहित सभी अत्याधुनिक सुविधाएं जोड़कर स्टेशन की बिल्डिंग का उन्नयन किया गया है। तो आज हम कह सकते हैं कि जबलपुर में पश्चिम मध्य रेल का मुख्यालय होने का जो लाभ है, या एक जोनल हेडक्वार्टर के रूप में जबलपुर का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अब दिखाई देने लगा है। केंद्र में माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, माननीय नितिन गडकरी जी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनने के बाद जो चेंज आया है वो अद्भुत है, और उसी का परिणाम है कि जबलपुर में हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर कर पाए। श्री सिंह ने देश की दूसरी सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी 118 किलोमीटर रिंग रोड की शुरुआत की है। यहाँ लोगों को समझना चाहिए कि देश की सबसे बड़ी रिंग रोड हैदराबाद में है जो 128 किलोमीटर लंबी है, और हैदराबाद की पॉपुलेशन है लगभग 2 करोड़, जबलपुर की पॉपुलेशन है लगभग 15 से 18 लाख, और यहाँ रिंग रोड बन रही है
118 किलोमीटर लंबी। श्री राकेश जी ने कई सड़कों अथवा फ्लाईओवर पुलों का निर्माण सफल रूप से करवाया है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, किसी भी राज्य में इतना बड़ा फ्लाईओवर अभी नहीं है जो जबलपुर में बन रहा है, और ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। यहाँ का जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उससे बिजनेस के लिए बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है कि हम उसी स्पीड से बॉम्बे, उसी स्पीड से हम दिल्ली, उसी स्पीड से हम ऑल ओवर इंडिया कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी शहर की इकोनॉमी को ताकत देना है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तो आज के समय की बड़ी ज़रूरत है लॉजिस्टिक्स। और लॉजिस्टिक्स एक एज ए इंडस्ट्री ये अगर डेवलप होता है तो उसका ग्लोबल इम्पैक्ट दिखाई देता है। और मेरे मन में था कि यहाँ पर लॉजिस्टिक्स साथ साथ लॉजिस्टिक पार्क ये अगर आकार ले तो जबलपुर को उसका बहुत लाभ मिलेगा। जबलपुर को पर्यटन स्थल के साथ साथ लॉजिस्टिक्स हब के रूप में देखने के लिए उनका लक्ष्य कपड़ा, चावल मिलों और हरी मटर कारखानों जैसे उद्योगों की पहुंच का विस्तार करना है। श्री सिंह के प्रयासों के परिणाम स्वरूप केवल मध्य प्रदेश तक सीमित रहने वाला हरा मटर का उत्पादन कोयम्बटूर तक विस्तृत होने के साथ साथ महाराष्ट्र समेत भारत के कई राज्यों तक पहुंच चुका है। For industry like us, I would really like to appreciate the logistic we have achieved and developed in past 10 to 15 years under the leadership of our Sansad ji. This logistic has made our supply chain faster 10 times than we were initially when we started this industry. राकेश सिंह जी की दृष्टि अनुसार शहर के युवा को अपनी पढ़ाई लिखाई पूर्ण करने के बाद नौकरियों की तलाश के लिए कई दूसरे प्रदेशों में जाते थे, जिसका प्रमुख कारण था नौकरियों के सीमित अवसर। परंतु श्री सिंह ने इस समस्या को महत्वपूर्ण मानते हुए इसका निवारण कर 400 करोड़ रुपए की लागत से आईटी पार्क की स्थापना की है, जिसमें लगभग 1,00,000 वर्ग फुट के अत्याधुनिक भवनों में कई कंपनियों के द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान हुए हैं। मुझे 9 साल लगे किसी को भी ये समझाने में कि जबलपुर आईटी पार्क के लिए, आईटी इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण जगह हो सकता है। आईटी पार्क वो भी जबलपुर में, भाई इंदौर में कंपनीज नहीं आ रही हैं, भोपाल में कंपनीज नहीं आ रही हैं, तो जबलपुर में कौन आएगा। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लगभग 10,000 लोगों का ये फेज 2 और फेज 3 पूरा होने तक, हम ये मानते हैं कि लगभग 10,000 रोजगार का निर्माण इस आईटी पार्क के कारण ही जबलपुर में हो पाएगा। पहले यहाँ पे आईटी पार्क नहीं था जबलपुर में, जिस कारण से बहुत असुविधाएं हो रही थी। मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे आईटी पार्क होने के कारण मुझे मेरी अकॉर्डिंग मुझे जॉब मिली, मुझे बाहर क्षेत्र में नहीं जाना पड़ा, मैं बहुत खुश हूँ। इसके अलावा श्री सिंह ने सामाजिक उद्यमिता की दिशा में भी कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जैसे आईटी पार्क के साथ साथ देश के पहले जियोलॉजिकल पार्क, इंडोर स्टेडियम, भेड़ाघाट में साइंस सेंटर और तारा मंडल की स्थापना, पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना। इन प्रयासों से प्रदेश में विकास और समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। राकेश सिंह जी के कार्यकाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना हुई है। DCHS डिस्पेंसरी की भी बहुमूल्य शुरुआत की गई है। एक आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का, एक बहुत खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला है, वो बनके यहाँ पर तैयार हुआ। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि जो लोग किसी भी कीमत पर सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं एडमिट होना चाहते थे, इलाज नहीं लेना चाहते थे, आज वो सारे लोग भी उस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट लेते हैं, वहाँ एडमिट होते हैं और बहुत सारी बीमारियों का वहाँ पर निदान हो रहा है। COVID-19 महामारी के दौरान सांसद हेल्पलाइन के माध्यम से पीड़ित लोगों को सहायता पहुँचाने के शुरुआती दौर तक 4 ऑक्सीजन टैंकर, 11,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 4 थर्मल इमेज स्कैनर भी प्रदान किए। सांसद महोदय श्री राकेश सिंह जी के मार्गदर्शन में जो हम लोगों ने एनक्वास का काम किया है,
इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी प्राइवेट अस्पतालों से या कई जगह पर प्राइवेट अस्पतालों से भी बेहतर सुविधा मिल रही है। जबलपुर का जो जिला अस्पताल है, जैसे विक्टोरिया हॉस्पिटल या सेठ गोविंदास हॉस्पिटल कहा जाता है, मैंने एक बार देखा, बहुत गंदगी से भरा हुआ वार्ड और उसमें वो छोटे छोटे बच्चे आकर भर्ती हो रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगा कि इन बच्चों के ऊपर मन मस्तिष्क पर कभी भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ सकता। उनको उनके अनुसार वातावरण देने की आवश्यकता है। और तब मैंने जबलपुर में विक्टोरिया हॉस्पिटल में सोचकर फुलवारी के नाम से एक बच्चा वार्ड बनाया। हमारे यहाँ डायलिसिस यूनिट की एक बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि जब डायलिसिस होता है तो लोगों को क्यू सिस्टम करना पड़ता था, तो विक्टोरिया हॉस्पिटल में मैंने वो डायलिसिस यूनिट सांसद निधि से तैयार हो उसके लिए ये कोशिश की कि वो बने, और वो भी बनकर तैयार हो गई। सांसद राकेश सिंह जी ने 2011 में जल रक्षा अभियान की शुरुआत की। प्राचीन धरोहरें हैं, कुएं हैं, बावड़ियां हैं, तालाब हैं, इनके संरक्षण की तरफ लोग आगे बढ़ें। तो फिर मेरे मन में आया, एक जल रक्षा यात्रा के बारे में हमने विचार किया। लगभग पूरे संसदीय क्षेत्र के हर हिस्से में अलग अलग दिन एक रथ आगे बना था, उस रथ पे एक बड़ा कलश था जिसमें माँ नर्मदा जी का पवित्र जल लेकर हम लोग चलते थे, और जो स्थान तय होता था वहाँ से गंतव्य तक उसकी दूरी 18 से 25 किलोमीटर के बीच की होती थी, और जहाँ गंतव्य पर पहुँचते थे वहाँ उस कस्बे, उस गाँव या उस प्रमुख स्थान के किसी बावड़ी में, सूखे हुए तालाब में या सूखे हुए कुएँ में उसका विसर्जन करते थे पूरे गांव वालों को एकजुट करके, और फिर ये मानते थे कि माँ नर्मदा जी का जल इसमें विसर्जित हुआ है, अब ये स्थान पवित्र हो गया, जल पवित्र हो गया, और अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको फिर से जागृत करें। और इसी विश्वास के साथ श्री सिंह ने पूरे शहर के लोगों के भीतर श्रमदान का जज्बा जागृत किया है, और इस पूरे उद्देश्य को उन्होंने जल मंदिर का नाम दिया है। हम सभी जानते हैं और मानते हैं और कहते हैं कि जल ही जीवन है, तो अगर जीवन को बचाने के प्रयास नहीं होंगे तो शायद संपूर्ण मानवता पर ही एक बड़ा खतरा होगा, और इसलिए हम सबको मिलकर इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। हमारे सांसद जी राकेश सिंह जी, उनके प्रयासों से यहाँ एक पुल का निर्माण हुआ है। हमारे यहाँ सिलपुरी है, बिलगड़ा है, पड़वार है, बहुत से 2500 गाँव हैं यहाँ, जिससे यहाँ से पानी सबको मिलता है। इसलिए हम सांसद जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा हम लोगों के लिए काम किया, धन्यवाद। परंपरागत खेलों की महत्वपूर्ण पहचान को संरक्षित रखने और खेल कूद के क्षेत्र में देश का नाम उजागर करने के लिए खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु सांसद राकेश सिंह जी ने अपनी संसदीय क्षेत्र के लोगों के खेल और खिलाड़ियों के प्रति अपने समर्पण का प्रमाण दिया है। उनके क्षेत्र में 12 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव के आयोजन ने खिलाड़ियों को आत्मसमर्पण और प्रतिस्पर्धात्मक भावना से भर दिया। हमारे जबलपुर में खेल के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, और सांसद जी का इस तरीके का प्रयास रहेगा तो जो जबलपुर के हमारे निवासी हैं और जो खेलने वाले हैं और युवा हैं, उनको अवसर ही एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और उनको अपना भविष्य बनाने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। जबलपुर संसदीय क्षेत्र बनने के बाद ऐसा पहली बार है जबकि एक ही सांसद द्वारा अपने चारों कार्यकालों में लगातार जबलपुर के सभी 516 ग्राम पंचायतों का दौरा किया गया हो। ग्रामीणों की मांगों के अनुरूप उन्हें सांसद निधि से फंड उपलब्ध कराया गया, साथ ही उनके अन्य समस्याओं से भी संबंधित विभाग को अवगत कराकर उनका निराकरण कराया। बहुत साल पहले मैं जबलपुर आया था, और मुझे याद है तब वाला जबलपुर और अब वाला जबलपुर बहुत बदल गया है। आज लोग विदेशों से जबलपुर और पूरे देश से जबलपुर आते हैं, तो हमारा जो रेल कनेक्टिविटी है, फ्लाइट कनेक्टिविटी है, और इन सब चीज़ों के बढ़ोतरी के कारण ही सब चीज़ें बढ़ी हैं। एविएशन के लिए तो मैं विशेष तौर पे उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नया टर्मिनल जो है वो जबलपुर की जो डेस्टिनी है उसको बदल देगा। थैंक यू टू राकेश भैया स्पेशली फॉर दिस। जबलपुर में जो टूरिस्ट स्पॉट है
वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले हम लोग आते रहे संग्राम सागर घूमने तो कुछ रहा ही नहीं, और आज सांसद जी ने इतना कर दिया कि मतलब रात में दिन में कभी भी घूम सकते हो। हमारे महोदय सांसद राकेश सिंह जी ने अने जबलपुर शहर को बढ़ाने के लिए फ्लाईओवर और बहुत सारी सुविधाएं ऐसी कर दी हैं कि जो निरंतर अने जबलपुर ऊपर उठते जा रहा है। मध्य प्रदेश की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लिंक रोड हो रही है, बन रही है जबलपुर, ये माननीय सांसद जी की देन है। जबलपुर को आज डेवलपमेंट के पंख लग चुके हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगले 5-7 सालों में ये शहर इंदौर के आसपास आके खड़ा हो जाएगा। और मुझे विश्वास है कि जनता का ये आशीर्वाद, जिसे मैंने हमेशा अपनी पूंजी माना है, हमेशा आने वाले समय में भी बना रहेगा।